भी बहुत धोएगी। कहीं जाना आप लोगों को, छोड़ दो ये हमारा पियानो। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी घर से निकल चुके हैं हम और कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है क्योंकि सरप्राइज है मेरे लिए। वहाँ जाके पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह क्या। बारिश में यही एक अच्छा होता है कि जहाँ भी आप जाओ आपको हर जगह ग्रीनरी दिख रही है, मेरे पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, घूमने फिरने वाला क्लाइमेट है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं और 5 मिनट्स, और आज मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से पीछे बैठ के मज़े ले रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ आ गए, जैसे मैंने आपको दिखाया ये प्रॉपर्टी है और अभी अंदर चल रहे हैं, देखते हैं। ये कार पार्किंग है, यहाँ पे कार पार्क की है और अभी चल रहे हैं। मैं अपने पेट के साथ आया हूँ। ओए हीरो, एक्चुअली ये जो होटल है पेट फ्रेंडली है, आप अपना पेट यहाँ पे लेके आ सकते हो। और मैं पीछे देख रहा हूँ क्या व्यू है, ये भी मज़े कर रहा है। चलो चलते हैं, अभी अंदर चलते हैं, सुसु पॉटी कर लो। ये प्रॉपर्टी का नाम है विस्परिंग वुड। जब मैं चेक इन हो गया, अभी एंटर कर रहे, सामान सब रूम में पहुंचा दिया है, लगेज वगैरह ये देख रहे हो, ये देखिए। राइट प्रॉपर्टी तो मस्त लग रही है, देख के दिल खुश हो गया। एक्चुअली हम एंटर कर चुके हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स किया है, अगर थोड़ा अभी थक गए थे, अराउंड 2 घंटे का कुछ ट्रैवल था तो इसके लिए थोड़ा हुआ है। अभी मैंने कहा चलो वीडियो तो बनाऊँ, आप लोगों को जगह दिखाऊँ कौन सी जगह कैसी जगह है। तो ऊपर भी है, देखिए देख रहे मेरे पीछे, चलिए ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको जगह। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसके अलावा और भी है, दिखाऊँगा और पूरी प्रॉपर्टी जितना तक होगी मैं आपको घूम के दिखाऊँगा। तो प्ले ऊपर देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ से मस्त डिज़ाइन दिया हुआ है ये, और ये ऊपर दिया है बेड, देख रहे हो एसी और कुछ लाइटिंग्स, मस्त है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सो गाइस फाइनली मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा है और बेड पे हम यहाँ सोएंगे। आप लोग यहाँ आओगे बहुत पसंद आएगा मेरे ख्याल से। अगर जो आप लोग सोच रहे हो कि आपका एक छोटा सा वन डे ट्रिप, यहाँ ज़रूर आइए। सो यहाँ चलते हैं, नीचे उतरते हैं और आपको और भी दिखाते हैं। ये हमारे पेट के लिए हमने पेडिग्री लाया था, ये दिया है यहाँ पे फ्रिज के अंदर सामान भर दिया गया है क्योंकि दोस्त लोग सब साथ में है। यहाँ देखिए चाय बना के पी लिया गया है, चाय भी आपको सभी से मिलता है, ये तो कुछ हमने कैरी किया था, ये सब यहाँ से मिला हुआ है। तो ओवन वगैरह भी है। और फाइनली आते हैं यहाँ, ये है डोर खुला, ये सामने आपका वॉशरूम, ये आपका शावर एरिया, ठीक है। और एक ये दिया है, सामान वगैरह कुछ रखना है तो बाकी। इस कर्टन के बाहर स्विमिंग पूल है, छोटा सा बनाया है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट है, मस्त है। और गाइस ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्विमिंग पूल, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जहाँ पे आप आराम से अपना स्विमिंग का मज़ा ले सकते हो, या चाय कॉफ़ी बैठ के स्विमिंग के साथ में, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे और भी रूम्स हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल आप मेरा ये दिखी क्योंकि मैंने ये रूम बुक किया है। और ये हमें मिला एक चेयर, मस्त रहता है, और सामने सोफ़ा, ये सब चीज़ आपको इस छोटे से रूम में मिलता है। मेन्यू है, कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, सब कुछ मिलता है, लिकर से लेके फूड से लेके वेज नॉन वेज सब कुछ है। तो वैसे भी थोड़ा चेंज करते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये टेबल मिला है, चाय बनाए हमने और चाय पिया और ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं बैठे हैं। सो गाइस फाइनली अपना खाना आ गया है, ये हमने कुछ ऑर्डर किया है, रोटी है, दाल, राइस, ये कोल्हापुरी, वेज कोल्हापुरी,
ये है छोले। तो चलते हैं खाना खाते हैं। प्रेजेंट थोड़ा रेस्ट करने आया, ये देखिए मेरे साथ में, ये भी यहाँ पे रेस्ट करने आ गए। सो गाइस फाइनली हम अपने रूम से बाहर आए और यहाँ पे घूमने आए। ये इनकी प्रॉपर्टी है, अच्छी है, काफ़ी मस्त है, देख रहे हो। अरे मेरे बाजू में घंटे के शेप बना है, ओह सॉरी फाइबर का है, घंटा नहीं है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू भी है और भी आगे बढ़ रहा है। बहुत गर्मी है, मेरे पीछे देख रहे हो, वहाँ भी चलते देखते हैं, विंटेज कार सब खड़ी है। तो अभी ज़रा यहाँ से आगे निकलते हैं, चलते हैं वहाँ भी देखते हैं। खूबसूरत लग रहा है, बता नहीं सकता हूँ मैं। अब कैमरा कैसा दिखाता है मुझे नहीं पता, बट जगह बहुत खूबसूरत दिख रही है। चलिए और आगे चलते हैं। अगर आप बीच में थक जाए तो यूं सीट बनाएं, आप बैठ सकते हो तो रेस्ट ले सकते हो। देख रहे हो चलते चलते मैं थक गया हूँ। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ यहाँ पे। और ये मेरे पीछे देख सकते हो, एक महल जैसा लुक दिया गया है। चलते हैं ऊपर। जगह तो बड़ी खूबसूरत है भाई, कुछ भी बोलो। थक गया, देख लो बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत। अरे यार ये भी सब ठीक है, सीमेंटेड पिलर नहीं है बट खूबसूरत है बहुत ठीक है। और मैं यहाँ देख रहे किसा बनाया, इसे दिखे थोड़ा पानी है, कमल का वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लुक अच्छा दिया गया। और ये झूमर देख रहे हो, सब इसमें झूमर भी लगाया हुआ है। ये जो पुराने ज़माने में लड़के दरवाजे होते थे ना, वैसे बनाए हुए। चलते हैं यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे भी कुछ है अच्छा है। घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा। आप भी आइए, मज़ा आएगा। इतना खूबसूरत है ना, मतलब देख के आपको ऐसा लगे ना आप राजा महाराजाओं की इस नगरी में आ गए हो। मतलब वही डिज़ाइन, वही ऐसा गेटअप दिया हुआ है पूरा, इतना है। अभी चलते हैं आगे और घूमना है, देखते हैं और क्या क्या है। मतलब मैंने वहाँ पे थोड़ा देखा था, विंटेज कार दो खड़ी थी तो वो देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो बोट भी है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, वैसे जा नहीं सकते इधर ही खड़ी है। हम थोड़ा बैठ के देखते हैं भाई है मेरा जापानी। पानी भी है, बोट भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 फीट पानी है। चलते बोट पे बैठ के बोट के मज़े ले लिए, अब आगे देखते हैं। तो गाइस फाइनली ये देख रहे हो ब्रिज,
बहुत बड़ा ब्रिज है, अच्छा है, क्यूट है, जो इन्होंने दिया है ऐसा बनाया है, बहुत अच्छा है देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। So guys, आप देख रहे हो ये हमारा पियानो। ये हमारा पियानो जो सिर्फ पियानो की शेप में बनाया गया है और बेटर टुगेदर, इसे देखा आपने, और ये एकदम बोलते ना राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। सो ओह मैरी मी, कोई है नहीं अभी फिलहाल इधर जिसको बोलूं मैं मैरी मी, वरना बीवी बहुत धोएगी। सो लेट्स गो। ऐसे देख रहे हो पिंक पिंक फुल ट्री को बनाया गया, क्या लग रहा है, मस्त भी हो रहा है। सो गाइस कहीं जाना आप लोगों को छोड़ दूँ, देख रहे हो गाड़ी, भैया कितने की है? वो मालूम नहीं कितने की है। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहाँ सीरियस ले रहे हो यार, फोटो खींचने के लिए मालूम है। तो देख रहे हो पानी के बीच में सेटअप बनाया हुआ है, चलो जरा आगे देखते हैं। अच्छा इनका थीम अच्छा है, अच्छा लग रहा है फिल्म से। हाँ सर वो प्री वेडिंग के लिए निकल, प्री वेडिंग के शूटिंग के लिए। ओके ओके। सो गाइस देखो यहाँ पे जीप भी है और ये कुछ पंखों के बने हुए, भाई अंदर जाने का रास्ता बट अभी ठीक है, ये अभी बंद होने वाला है तो फटाफट चलते हैं, अभी यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इनका टाइम है 6 बजे बंद हो जाता है, टाइम टू टाइम रहता है, अभी मुझे फटाफट निकलना है, थोड़ा लास्ट एक बचा था बट मेरे ख्याल से वो नहीं दिखा पाऊँगा, दिखा पाया तो ठीक है। अभी आगे क्या है? सूर्य कोट, सूर्य कुंड, ओके ओके ओके। तो अभी सूर्य कुंड देखने जा रहे हैं, ये आखिरी है ना सूर्य कुंड, आखिरी है, चलो वो दिखा रहे बेचारा, टाइम हो गया फिर भी दिखा रहा है। तो यहाँ से चढ़ना है? हाँ। ओके ये यहाँ से चढ़ के ओहो ब्यूटीफुल, ये है ना सूर्य, ये है सूर्य कुंड, देख रहे हो बहुत मस्त है, ब्यूटीफुल। ये आखिरी व्यू था हमारा, वो भी बंद हो गया था बट ना होने का भी बंदे को रिक्वेस्ट किया तो उसने दिखाया, मुझे बोला ठीक है, और यहीं बाजू में अपना रूम भी है तो यहीं से निकल चलेंगे। एकदम क्या बोलूँ आपको, झूमर उमर सब दिया हुआ है, राजा महाराजा वाले और बटे भाई आज अपने, तो यही था यहाँ का। बाकी अभी आज हम लोग स्टे कर रहे हैं तो देखेंगे जैसा जैसा रहेगा आपको दिखाता जाऊँगा, बाकी पूरी प्रॉपर्टी यही थी जो मैंने अभी आपको दिखाया घूमने लायक, और रूम्स तो और है अदर अदर कैटेगरी के, तो मैं आपको मुँह सूख गया मेरा, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। सो गाइस फाइनली शाम हो गई, तो रात हो गई और अब स्विमिंग पूल में, और थोड़ा स्विमिंग पूल में खेलेंगे मजे करेंगे बस, बाकी अच्छा है, घर ठंडा नहीं है ज़्यादा क्योंकि मौसम भी इतना ठंडा नहीं है, बारिश है नहीं तो मौसम अच्छा है। सो गाइस चीयर्स, मज़ा आ रहा है।
दोस्त लोग अभी पानी, वो लोग आए बाहर खड़े हैं, नहीं आ रहे क्योंकि वीडियो में उनको आना पसंद नहीं है। ठीक है ना, जिसको नहीं आना क्यों वीडियो में लेना है। सो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे मज़े मस्ती करके जा रहे हैं अभी शावर लेने। शावर लेके फिर खाएंगे पियेंगे और सोएंगे, फिर सुबह उठते हैं, सुबह का आपको सुबह दिखाते हैं। बट फिलहाल एक चीज़ कहूँगा कि प्रॉपर्टी, नो डाउट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मस्त है, आप आ सकते हो, जब इन्जॉय कर सकते हो, व्यू सब कुछ अच्छा है। बट प्रॉब्लम एक ही है, सर्विस अच्छी नहीं है एंड आई डिडंट लाइक द सर्विस। सर्विस बहुत ख़राब है, कुछ भी चीज़ बोलो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे आपको प्रॉब्लम है कुछ तो प्लीज़ सॉल्व करो, वरना उस प्रॉपर्टी में आप कभी भी किसी को दो मत, समझा? अच्छा नहीं लगता। अगर जो आप फूडी हो तो आपको एक बात बता देता हूँ कि एक सेकेंड, हाँ फूड यहाँ के इतने वो नहीं है। ओके सो अगर आप सोच रहे हो कि इतना जैसे आप रेस्टोरेंट या होटल में खाते हो उतना टेस्टी से, तो नहीं है। ओके फ्रेश वगैरह होके अभी खाना खाने जा रहे हैं, अपना खाना आ गया है, खाएंगे थोड़ा उसके बाद आराम करेंगे। खाना आ गया है अभी खाते हैं, अभी सब हो गया है, सोते हैं फिर सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, वही सुबह हो गया, उठ के फ्रेश हो के नाश्ता करने आए हैं, नाश्ता करेंगे फिर पूल में जाएंगे क्योंकि आज चेकआउट भी है हमारा, तो नाश्ता करके फिर चलते हैं। अभी नाश्ता करके यहाँ पे आए हैं और अभी जा रहे हैं पूल में, थोड़ा एक्चुअली इसका एक्सेस हो गया है, उन्होंने बोला अभी यूज़ नहीं, बट थोड़ा रिक्वेस्ट किया है तो बोला ठीक है, आधा घंटे का टाइम। ये भी एक रूम है, यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे बेड जो है हमारे, इसमें बेड नहीं है हमारे, को अलग था वो क्योंकि ऊपर हमारा बेड था, यहाँ नीचे बेड दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर नहीं है, जैसे हमारा जो सिस्टम था यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंगल रूम है और प्लस यहाँ पे ये शावर एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन शावर है, यहाँ पे आपका टॉयलेट और ये हैंड वॉश के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे टब दिया है जो कि जकूजी नहीं है, टब है, जस्ट टब, वहाँ पे सिटिंग वगैरह। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छा है, क्यूट लग रहा है। सो गाइस ये जो विला हमने लिया था ये हमने अराउंड 6500 का था, प्लस एडिशनल 1500 देना पड़ा क्योंकि एक बंदा बढ़ गया था, तो अगर जो आप दो या तीन या चार के लिए बुक कर रहे हो तो 6500 में आपको ये जो मैंने लिया है वो आ जाएगा, और बाकी का तो आप ऑनलाइन देख लीजिए क्या प्राइस है क्योंकि मुझे पता नहीं है, और एडिशनल आप लोग जितने भी आओगे तो 1500 बढ़ जाएगा। आपको इसमें गद्दा वगैरह देते हो अगर आप लोग चार पांच जन हो, जैसे ऊपर आपने देखा सीटिंग अरेंजमेंट है, नीचे से आपको गद्दा मैट्रेसेस वगैरह सब मिल जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब अच्छा था, बहुत अच्छा है। यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह भी होता है, प्री वेडिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कल में देखा था, आपको दिखाया वो सब प्री वेडिंग के सेट से पूरा सेट बनाया हुआ है। एंड गाइस एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर जो आप आ रहे हो तो जैसे इवनिंग में देखा पूल का, बट मॉर्निंग में आप कंफर्म करना कि पूल का कब तक का टाइम है, क्योंकि लोग कह रहे हैं 6 से 7 बजे, अरे हम रात भर इतना जगेंगे मस्ती मजाक करेंगे तो सुबह 7 बजे 6 बजे कौन उठेगा, जब तक एटलीस्ट 11 बजे जब तक है तब तक तो चेक इन तक तो पूल का वो यूज़ करने मिले हमें। सो गाइस फाइनली अपना चेकआउट टाइम हो गया, अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं बस इस रूम को टाटा बाय बाय करके, और जो भी मैंने रिव्यू दिया है, जो भी मैं कह रहा हूँ मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स से देखा है बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना, उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस है वो मेरा पर्सनल था, तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ में जो हर किसी के साथ में हो सकता है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो गाइस अगर अपना चेकआउट हो गया, हम जा रहे हैं घर और बस ये वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा, और यहाँ तक देख लिया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।